हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन क्लासेस तो गुरु हो जाओ शुरू चलो जी आप पहले पोस्टमार्टम करेंगे एक बेस फाउंडेशन तैयार करेंगे फिर सीखेंगे लॉ है ना चलो जी फटाफट से एक बात ध्यान रखना लॉ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि भैया ट्रस्ट होना चाहिए इकोनॉमी में चीटिंग ना हो फ्रॉड ना हो विश्वास हो सोसाइटी बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ को एनेक्ट किया जाएगा और इंप्लीमेंट किया जाएगा ठीक है अब जो हम पढ़ने वाले हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट ठीक है जी? क्या उनको रेटिफाई किया जा सकता है? या क्या एमओ एओए को ऑल्टर करके उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है ये सब चीजें आप बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पहली चीज अगर कोई चीज आपकी पावर्स में ही नहीं है कैसे लेकिन क्या उसको ऑल्ट्रेशन करके उस चीज को अपनी पावर में काउंट किया जा सकता है अगर लॉ परमिशन दे दे तो किया जा सकता है सिंपल सी बात है ठीक है सोसाइटी का बेनिफिट किसमें इकोनॉमी का बेनिफिट किसमें पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट किसमें वो चीज देख के काम करना है आपके आंसर हमेशा सही आएंगे कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ मैदान में तो स्टेट्यूट सबसे पहले लॉ की बात करेंगे स्टेट्यूट अल्ट्रावायर्स और इंट्रावायर्स तो ऐसा कोई एक्ट जो स्टेट्यूट लॉ ने मना कर रखा है डिफाइन इन लीगल एक तरीके से एक्ट है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो नल एंड है जेल जाना पड़ेगा सोचना स्टेट्यूट के अंदर है लीगल है कोई दिक्कत नहीं इशू कर ही सकते हैं ना लेकिन शेयर्स इशू कर सकते हैं ठीक है वो लीगल है लेकिन आपने जितने शेयर्स की परमिशन ली है कैपिटल क्लॉज एमओए का उसके अकॉर्डिंग ही तो करोगे ना उससे ज्यादा कैसे कर दोगे तो स्टेट्यूट के लिए तो इंट्रा वायरस है इंट्रा वायरस है एमओए के लिए कोई चीज अल्ट्रा वायरस हो सकती है इंट्रा वायरस हो सकती है अगर एमओए के लिए कोई चीज अल्ट्रा अब स्टेट्यूट के लिए इंट्रा है एमओए के लिए अल्ट्रा है स्टेट्यूट लॉ के अंदर है लेकिन एमओए से बाहर है अब पहली बात तो आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते नॉट पॉसिबल ऑल्ट्रेशन हां आप गवर्नमेंट से कह सकते हो कि हमें ये बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कुछ इन एस्पेक्ट्स में काम करने की परमिशन दी जाए वरना हम ये बिजनेस इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे दिक्कत होगी कॉस्ट बढ़ जाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेट कंज्यूमर को नुकसान होगा परचेजिंग पावर पे नुकसान आएगा लोगों की उसी चीज के लिए उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो अगर लॉ को लगता है कि वो चीज आपको मिलनी चाहिए ताकि सोसाइटी इकोनॉमी का बेनिफिट हो सके और कंपटीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो लॉ आपको उसकी परमिशन देगा आप ऑल्ट्रेशन करके फिर उस चीज से रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हो लेकिन एमओए से बाहर जाके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिलहाल तो वो है और वो रेटिफाई भी नहीं हो सकता क्योंकि वो आपकी पावर्स में नहीं है पहले आप एमओए ऑल्टर कर लो फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से कर सकते हो लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट एमओ के भी इंट्रा वायरस है तो स्टेट्यूट के तो इंट्रावायर्स होना कंपलसरी वरना तो कुछ हो ही नहीं सकता एमओए के भी इंट्रावायर्स है कोई 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 दिक्कत नहीं 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 आराम आराम से से करो कोई नहीं, से कोई टेंशन टेंशन है 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 करते रहो अब एमओए के के तो अंदर है, के अंदर अंदर लिमिट्स लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर्स दो हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रावायर्स चली गई वो चीज अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बाहर चली गई लेकिन एमओए के अंदर अंदर है तो आप इसको रेटिफाई कर सकते हो शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में जनरल बॉडी मीटिंग में इसको रेटिफाई कर सकते हैं अगर वो शेयर होल्डर्स की पावर्स के अंदर है मतलब एमओए के अंदर अंदर है लेकिन अगर वो एओए से इतनी बाहर चली गई कि एमओए से भी बाहर चली गई तब उसकी रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है ऑल्ट्रेशन तो ऑब्वियस बात है पहले एमओए ऑल्टर करो पहले उस चीज को अपनी पावर मिलाओ तभी तो एओए में वो चीज आ सकती है क्योंकि एओए अपनी पावर्स एमओए से ही डिराइव करता है जो चीज एमओए के पास नहीं है एओए में वो चीज हो ही नहीं सकती अब MOA के लिए तो इंट्रा है लेकिन डायरेक्टर्स के लिए अल्ट्रा है तो डायरेक्टर्स का वो एक्ट जो उनकी पावर से बाहर चला गया लेकिन एमओ के अंदर है मतलब शेयर होल्डर्स के पास वो पावर्स हैं कि वो उसको रेटिफाई कर सके तो मे बी शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर दें तो यस शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी पावर्स में है और मे बी शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई ना करें तो अगर वो रेटिफाई ना किए जाएं, तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे से एनेक्ट किया जाता है, उसको अपने दिमाग में रखना होता रहेगा सब कुछ तो बहुत प्यारी चीज बहुत ही बढ़िया अब आप ये चीज पढ़ोगे तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगी क्योंकि हर चीज आप समझ चुके हो। चलो तो अब हम ये करेंगे यार नेक्स्ट क्लास में तो एक बार आप सारा का सारा रीड करके रख लो मिलते नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय तो यहां तक एक बार सारे रिवाइज करो और इसको भी रिवाइज करो तब जाके मजा आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास में में हाँ जी मिलते में। और इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना एक ही बार में कि सिर्फ छोटी मोटी आप नोट्स भी पढ़ लोगे और सिर्फ एक बार देख लोगे ना हर चीज आपको रिमेम्बराइज हो जाएगी हर चीज समझ में आ जाएगी मजा आ जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय